भाईजान मकसद नहीं भूलने का नहीं ना। अब मेरे को थोड़ा लग रहा कि मकसद ढीला ढीला हो रहा है। कहाँ पाए मैंने भी आना भाई। हाथ साइड करो, हाथ इस साइड से करते हैं। क्या कर रहे हो? इसमें प्रॉब्लम है, ये फैन है, ये जो बीच में गरारी होती है उससे निकल गया हुआ है। हमारा रेडिएटर का फैन जो है वो टूट चुका है और हम लेन में फंस चुके हैं। और भैया कह रहे हैं कि भैया ऑर्डर पे कितने दिनों के बाद आता है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 8 बज रहे हैं, हम सब उठ चुके हैं, फ्रेश वगैरह हो लिए हैं यहीं पे ही। अभी तक ब्रश भी नहीं किया है और अपना टेंट पैक हो चुका है। ये देखो, ये हमने सामान इकट्ठा कर लिया अपना, और जितना भी हमारा गन था वो हमने डिस्पोजल बैग में डाल दिया है। टेंट पैक हो रहे हैं। अभी ब्रेकफास्ट भी है और गौरव गाड़ी में सामान लोड कर रहे हैं। पूरा सामान निकालना पड़ता है। ये देखो इन गाड़ी में बैठे हुए हैं। अभी यहाँ से सामान जाएगा तो वो भरेंगे ऊपर। ये भी एक एडवेंचर है, रात को पूरा सामान बाहर निकालो दोनों गाड़ियों से, सुबह फिर पैक करके अंदर डालो। और ये हमारे भाईजान मकसद नहीं ना। अब मेरे को थोड़ा लग रहा कि मकसद ढीला ढीला हो रहा है। पर ये कहाँ पाए, मैंने भी आना भाई। ये हमारे जम्मू कश्मीर के जांबाज भाई अपना कर्तव्य निभाते हुए, ये दूसरे जांबाज। ब्रेकफास्ट हमारा रेडी हो गया है भाई, शेफ ट्रैवलिंग बाबा। ब्रेकफास्ट में हम ओट्स ही खाएंगे लाइट वेट, फिर निकलेंगे फटाफट यहाँ से। पैकिंग हमारी हो गई है। अब भाया क्या करते हो? रुको, हाथ साइड करो, हाथ इस साइड से करते हैं। क्या कर रहे हो? मैं यहाँ रखा था, मैंने साथ में सेंडरी घुमा दी मैंने यार। देखो ये क्या हाथ, देखो कोई चक्कर नहीं है पानी डालने से। ओए ब्रेकफास्ट करके हो गया, पैकिंग भी हो गई। हम गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करके देखते हैं। फर्स्ट सेल पे भी गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब सामान अपना एडजस्ट करेंगे और निकल जाएंगे। नरेश जी भी आ गए हैं और सेटअप करने के लिए, फिर यहाँ से निकल लेंगे। ट्राउजर लगा लेता हूँ और कपड़े चेंज भी करने लगा है। निकर में चल भैया, आगे नहाना है। क्या हो गया तेरे को? आगे ही करेंगे। मियामी से हम निकल चुके हैं। कौन सी जगह? मियामी। मियामी हाँ, बुद्धिस्ट टाउन है ये। यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल भी है यहाँ से। और ये लोकेशन चेक करो यार, क्या लोकेशन है। कौन सी है पता नहीं। गुई मॉन्स्ट्री की मॉन्स्ट्री, बड़ी मॉन्स्ट्री है अभी। और ये लोकेशन चेक करो यार, जहाँ पानी मिलेगा पानी। ये जो सब बाग है ना जितने भी, ये खुबानी के बाग है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एप्रिकॉट। एप्रिकॉट के बाग हैं ये। इसको इंग्लिश वाला ये डिपार्टमेंट ने, इसको खुबानी नहीं पता, उसको इंग्लिश में भी सुन लो कि एप्रिकॉट। मेरे पास भद्रवाही में अगर पूछना होता हूँ क्या भद्रवाही क्या बोलते हैं? खुबानी। हिंदी वाला क्या इसमें अंदर होगा? मैं जो डोगरी में खुबानी बोलूं। कैमरे में आपको लग रहा होगा कि प्लेन प्लेन ही चल रहे हैं। ये देख लो, इसमें कैमरे में भी पता चल रहा है। चल रहा है हाँ, ये देखो इधर रात को चढ़ाई चढ़ी थी हमने, ये देखो। और आरिन वैली की हिस्ट्री किसी ने पढ़नी होगी ना तो विकिपीडिया देख लेना। हम बता नहीं सकते, आप खुद ही अब देख लो। इतना सा कष्ट खुद ही कर लेना। और बहुत ही ट्विस्टिंग है, मजा आएगा आपको। आंटी को हम लिफ्ट दे रहे हैं नीचे तक, रोड तक। इन्हीं के पास हम रुके थे, इन्हीं के पास आंटी की प्रॉपर्टी पर। आंटी की प्रॉपर्टी का स्टे था हमारा। ये देखो हमने कैसे एडजस्ट किया पीछे। चलो वो आया था तो आपको लोकेशन नहीं दिखा पाया था। ये तो ये लोकेशन है, ये देखो फाइनली पहुंच गए नीचे। ये बी आर ओ वाले यहाँ पे पूरा यहाँ। और अभी हम यहाँ से ले वाली साइड निकल रहे हैं। यहाँ पे गिने चुने यूट्यूबर्स आए हुए हैं। डीजी है, सत्या भाई, एमएसके भाई, बस यही है हमने देखा हुआ है। रास्ते में एक बड़ा तगड़ा सा हमें व्यू मिला है और यहाँ पे पीने वाला पानी मिल गया है। यहाँ पे आर्मी वाले पानी भर रहे हैं। तुझे तो चप्पल लगी है, तू जा इससे भर ले पानी उधर से। ए, नलका लगा है, नलके से भर लो, नलके से भर लो। पकड़ाओ उधर भैया को, पकड़ाओ ऊपर। अभी हम पहुंचे ऐसी लोकेशन पे, यहाँ पे पहले वाटर क्रॉसिंग थी, अब इन्होंने यहाँ पे पुल बना दिए हुए। और ये चक्कर हो गया झूले, लोग बड़े फ्रेंडली है पूरे लद्दाख कारगिल। और ये भी नहीं कि साइड चले जाओ, लेडीज लड़के बच्चे सब।
looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, रास्ता ही बंद हो गया. अब ये अपने सिपाही अर्जुन और गौरव, दो बंदे चार बंदे गए हैं अभी, उनको करेंगे वो प्लेन, उसके बाद निकलेंगे हम आगे के लिए. ये हमने सांस में रखा है सारा. यहाँ पे थोड़ा रास्ता बंद हो गया था पर अभी यही, तब तक हमने अपना रोड बना लिया. जितने भी खड्डे हैं ना वो भर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चलेगी है बिछा के पीछे वाला रोड खुद गया, वहाँ खुद कर लिया हमने, इतना काम तो कर ही सकते हैं. यहाँ पे कलसी चेक पोस्ट पे, और ये आ गया एंट्री पॉइंट. अभी हम हाईवे पे आ गए हैं ले वाले. ये है वोट फॉर लोकल. ये ड्राई फ्रूट बादाम बेच रहे हैं खुबानिया. ये आंटी से हम ले रहे हैं एक ड्राई, वो अखरोट वाला भी दे दो आंटी. थैंक यू थैंक यू. झूले ले लिया हमने ड्राई फ्रूट लोकल से. जब भी यहाँ यार लोकल से कुछ ना कुछ परचेज जरूर करें. खलसे विलेज, ये पुराना वाला हाईवे ले वाला. अंकल को भी यहाँ हमने ड्रॉप कर दिया. हमें कुछ स्नैक्स लेने हैं. शॉप दिखी थी पीछे, देखते हैं मिलते हैं या नहीं. अनफॉर्चुनेटली शॉप भी क्लोज है. अब ले में ही जाके ले में ही लेते हैं. अब थोड़ा लोकेशन ढूंढ रहे थे जहाँ रुक के खाना बना सके, तो अभी एक ये पार्किंग सी तो है, इधर पूछ लेते हैं. हाँ मिल गई मिल गई मिल गई, तो जगह मिल गई हमें. तो हमने यहाँ पे गाड़ी लगा ली है दोनों, तो अभी यहीं पे खाना बनाएंगे. तो डिसाइड हो रहा है पीले चावल बनाने का. और ये बढ़िया सा इधर कैफे है, रोड हाउस कैफे रेस्टोरेंट, इंडियन चाइनीज कॉन्टिनेंटल सब मिलेगा. रूम्स भी यहाँ पे है, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन पे आई है. ये लोकेशन चेक करो, हमारी कभी हमने बोनट खोल दी है. प्रॉब्लम है ये फैन है, ये जो बीच में करारी होती है उससे निकल गया. ले जाके ये भी करवाएंगे. तो ये हमारी किचन निकल गई है बाहर. और भाईजान अक्सर नहीं भूलेगा, मकसद याद है ना आपको. और ये दरिया है, दरिया के उस साइड ना एक घर है. अब घर है कि क्या है वो पता नहीं. तो उन्होंने ये रास्ता सा बनाया, ये पुली लगाई हुई है सामान खींचने के लिए. ये अक्सर पहाड़ों में दिखती है. आज के जो हमारे शेफ हैं वो नरेश है. ये तो कुकिंग स्टार्ट हो गई है, पुलाव बन रहा है. यहाँ पे खाना हो गया हमारा तैयार, पुलाव रेडी. अर्जुन कर रहा है टेस्ट, अपना वो डाल लो आप जिस के हिसाब से. पहले पेट पूजा हो गई है, तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से ले की तरफ. सिलेंडर रह गया, बात हो गई है किसी भाई से, वो हमें कैंपिंग की लोकेशन बता रहा है. अभी रास्ते में हमें पानी मिला था, तो मस्त मान आ रही है. ठंडे पानी के साथ फ्रेश हो गए आज, क्योंकि कल भी नहीं आए थे, तो
कल वहाँ से जल्दी निकल के कल भी नहाए, आज वहाँ पे जगह ही नहीं थी नहाने की, पानी रेत वाला आंटी मना कर रही थी। बर्तन तो धो रहे थे वो लोग, बर्तन धो रहे थे ना उन्होंने अपने लिए, पता नहीं होगा कुछ। अभी रास्ते में मिली जगह, यहाँ मस्त नहाए, अब चढ़ रहे हैं चढ़ाई आगे जाने ले ले, यहाँ से रह गया होगा मेरे ख्याल 70-75 रह गया सर, मिनिमम 13 किलोमीटर 60 से भी कम हो गया, 55-60 रह गया, तो चलते हैं ले। बाकी ये बाहर का नज़ारा देखो, इस सुंदर से नज़ारे में हम ना आए हैं आज। Ladies and gentlemen, ये रहे हैं वादियों में नजारे ले रहे हैं। कौन सी वादियां हैं यार, ये नजारे लेते हुए बहुत ही प्यारे नजारे आ रहे हैं। फुल रोमांस चल रहा है गाड़ी में, फुल रोमांस चल रहा है कि हमें ऐसे लगा कि एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत। हम एक चौथा भी यहाँ बीच में बसाने वाले हैं जल्दी, नरेश भाई आगे आएंगे अभी जल्दी, लेकिन उनका साइज थोड़ा ज्यादा, थोड़ा साइज उनका बड़ा है, थोड़ा कैमरा नीचे करो, फिट नहीं आ रहा कैमरा, थोड़ा सेंड करो आपका कैमरा इधर है, थोड़ा नीचे गियर सेंटर में, जो गियर दो वो गियर टुकड़े में यहां पे ध्यान रखिए प्लीज, फुल ऑन चल रहा है इस टाइम। अब वादियां दिखाइए, तो वादियां दिखाइए, वादियां देखो आप। अपनी गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है भाई, हीट कर रही है गाड़ी, पंखा नहीं मिल रहा, तो चलते हैं फटाफट, फिर मिस्त्री भी ढूंढना है। अभी पहुंच गए हैं मैग्नेटिक हिल, और यहाँ पे नज़ारा कुछ ऐसा है कि क्राउड बिल्कुल नहीं है, पहली बार देखा ऐसा हो गया पिछली बार से यार। हाँ, बार काफी कुछ स्टिकर लगाए थे हमने, काफी कुछ डेवलपमेंट हो गई है। तो अभी मैग्नेटिक हिल पहुंचे हैं, तो यहाँ पे ये आर्ट गैलरी मिल गई है, तो यहाँ पे देखते हैं शायद हमें अपनी चीज मिल जाए। ये अंदर बैठे भैया, फ्लैग्स कार के लिए, बाइक के लिए, कार के लिए, ये हम कहाँ से ढूंढते आ रहे हैं, कारगिल मिले ही नहीं हमें। ये लगा लिया फाइनली, हम अंदर लगाएंगे, डन, ये वाला अंदर लगाएंगे छोटा वाला। अभी हमें स्टिकर्स भी मिल गए हैं, कार स्टिकर्स, तो वो भी देख रहे हैं। एक हमने ये चूज किया है, एक आई लव लद्दाख, एक ले लद्दाख, लगा के डन हो गया है। ये देखो ले लद्दाख, आई लव लद्दाख, आई डोंट नो एंड आई लव लद्दाख। और इस खूबसूरत व्यू के साथ साथ हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब जी, और ये लोकेशन है पत्थर साहिब जी की, ये ऊपर यहाँ से पत्थर फेंकते थे वहाँ से ऊपर से पत्थर फेंका था राक्षस ने, और गुरु नानक देव जी ने अपने पाँव के साथ रोक लिया था, तो इस गुरुद्वारा जी के अंदर पीढ़ियों रोका था, तो इन गुरुद्वारा साहिब के अंदर वो पत्थर अभी तक मौजूद है जिसके दर्शन करते हैं। और ये है बाकी जो भी है, एक ही चीज क्लासिक लग रही है, फ्लैग्स और एक ये वाले फ्लैग। फाइनली ले पहुंच गए हैं, ये आ गया एयरपोर्ट के लिए, हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं, वो जेट भी है, जेट भी रखा है जी, ग्रैंड सैल्यूट हो रहा है, वेलकम हो रहा है। ले एंटर कर चुके हैं, और अभी वर्कशॉप तो हमें मिल गई, इधर बड़ी सफारी है, आर्मी गाड़ी सबका काम कर ही हो रहा है, तो वर्कशॉप मिल गई हमें जम्मू में। तो ये सारे पंजाबी भाई हैं अपने इधर वर्कशॉप में, कोई ना कोई जुगाड़ तो करा ही लेंगे। रेडिएटर का फैन जो है वो टूट चुका है, और हम लेन में फंस चुके हैं, और भैया कह रहे हैं भैया ऑर्डर पे कितने दिनों के बाद आता है, 15 दिन 15 दिन।
15 दिन के बाद हमारे यहाँ पे फिर से रिटेटर फैन आएगा, तो हम 15 दिन के बाद देखेंगे हमारा ये प्लान। तब तक कैंप करेंगे या साथ वाली ग्राउंड खा ली है, और मेरा इतना राशन है कि हम 15 दिन निकाल सकते हैं। हमें इधर ये मिल गया हुआ है रेडिएटर का फैन जो खराब था, तो ये चेंज ही करा दिया पूरा पार्ट। क्या बोलना चाहते हो? फोन नंबर SNM दूसरी नहीं मिल रही। नहीं, वो वेवफा नहीं निकली, उसने वफा तो की थोड़ी थोड़ी। तो आगे अपनी कैंप साइट पे ये हमने अपना कैंप, जो कि बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्लोज, हाँ क्लोज आके ये हमारे टेंट लगे हुए, अभी भी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ ये दिखा, एक टेंट ये है और एक इसके साथ ही है, दो टेंट ये साथ में, रिवर है ये भी नहीं अभी दिखेगी, ये सुबह दिखेगी। हमारी प्रॉपर्टी इनकी है, हमने इनको पे किया है अकोमोडेशन के लिए, टेंट वगैरह खाना हमारा अपना ही है। इसके साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि अभी कुकिंग करनी है, सेटअप करना पूरा। मिलते हैं आपसे कल सुबह, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।